हेलो दोस्तों, तो ये है ग्रैंड विटारा का बेस मॉडल। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसके गाइस प्राइस आज रिवील हो चुके हैं, तो आपको मैं प्राइस भी बताने वाला हूँ क्या इसका प्राइस होने वाला है। तो सबसे पहले आप इसके बेस मॉडल की लुक्स देखें गाइस, काफ़ी शानदार इसका बेस मॉडल बनाया गया है। लग ही नहीं रहा कि कहीं से इसका बेस मॉडल है। बस अगर हम इसके व्हील को देखें तो वहाँ से पता लग रहा है कि ये इसका बेस मॉडल होने वाला है। बाकी फ्रंट देखें तो फ्रंट आपको बिल्कुल डिट्टो सेम टॉप मॉडल वाला दिया गया है। फ्रंट में हेलोजन लाइट दी गई है और इसमें गाइस जो मेन फीचर है आपको इसमें स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, मतलब टॉप फीचर आपको इसमें पूरे भर भर के दिए गए हैं। फ्रंट लुक देख सकते हैं गाइस, काफ़ी अच्छी दी गई है। क्रोम का यूज़ किया गया है, लग ही नहीं रहा है ये इसका बेस मॉडल है। स्किड प्लेट भी सिल्वर कलर में दी गई है। ग्लोसी फिनिश में जो इसकी ग्रिल है वो आपको बेस मॉडल में मिलती है, वो भी आपको मैट में नहीं की गई। बस व्हील कवर, अब व्हील सिर्फ आपको इसमें बेसिक दिए गए हैं, वो भी आपको R17 में इसमें मिलते हैं। आपको मैं व्हील कवर भी दिखाने वाला हूँ कैसे इसके व्हील कवर होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर गाइस आप इसका देख सकते हैं, ऐसा कुछ होने वाला है। यहाँ पर आपको चारों विंडोज़ के पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिलने वाले हैं। सिल्वर कलर के आपको इसके डोर हैंडल मिलेंगे। तो बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की। तो इसमें आप देख सकते हैं आपको जो कंट्रोल्स दिए गए हैं वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि आपको इसमें कोई भी म्यूजिक सिस्टम ऑफर नहीं किया गया। बाकी आप इसके ओवरऑल इंटीरियर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट भी दिया गया है इसके बेस मॉडल में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था कितना ज़बरदस्त ये कार होने वाली है, तो अगर आप इसका बेस भी प्रेफर करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ये ऑप्शन होने वाली है। कार डुअल टोन में आपका इसका इंटीरियर दिया गया है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट टच आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। हार्ड टच में इसका इंटीरियर दिया गया है। यहाँ पर स्मार्ट स्टार्ट स्टॉप का बटन देख सकते हैं। सीट एडजस्टेबल आपको मैनुअल मिलेगी, हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं इसमें आप। ओवरऑल आप इसका इंटीरियर देखें तो ऐसा होगा, ऊपर आपको हेलोजन में लाइट मिलने वाली है। तो अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटल कंसोल की, जो कि आपको एनालॉग में मिलेगा। यहाँ पर आपको छोटी सी MID भी इसमें सेंटर में मिलती है, और बाकी आप यहाँ इसका इंटीरियर देख सकते हैं। और बात करें अब इसके स्टीयरिंग व्हील की, जो कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको एडजस्टमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं, देख सकते हैं टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको इसमें इसके बेस मॉडल से ही प्रोवाइड की गई है कंपनी ने। बाकी यहाँ पर आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं इसके रियर में, तो रियर में देखते हैं कैसी ये कार होने वाली है। तो रियर में आपको पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिलने वाले हैं, आपको रियर का डोर देख सकते हैं, ऐसे कुछ कंट्रोल मिलेंगे। रियर में आपको AC वेंट प्रोवाइड किए गए हैं इसके बेस मॉडल से ही, और जो स्पेस है स्पेस काफ़ी अच्छी होने वाली है। 3 हेडरेस्ट के साथ आपको ये कार ऑफर की गई है। बाकी वुड स्पेस मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। यहाँ पर आप इसके व्हील कवर देख सकते हैं, ऐसे इसके व्हील कवर होने वाले हैं जो आपको इसके साथ में ही मिलेंगे। सीट बेल्ट भी प्रोवाइड की गई है, और हेलोजन में भी आपको रियर में भी लाइट्स दी गई हैं। और इसका इंटीरियर देखें तो रियर से ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो जो रियर की गाइस सीट्स हैं वो आपको 16:14 स्प्लिट देखने को मिलेंगी। यहाँ से आप इसकी सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं, जिससे जो इसकी बूट स्पेस है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल जाती है। तो अब बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की। तो रियर में आप देख सकते हैं आपको कोई भी चेन देखने को नहीं मिलेगा अगर मैं कंपेयर करूँ टॉप मॉडल से। बस आपको इसमें यहाँ ऑल ग्रिप का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, यहाँ आपको स्मार्ट हाइब्रिड वाला देखने को मिलता है, जो कि आपको ब्रेजा में देखने को मिलता है, क्योंकि आपको इसमें ब्रेजा वाला इंजन देखने को मिलता है। और जो इसकी गाइस बूट स्पेस है आपको टेल मैग्नेटिक वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। रियर का कैमरा आपको इसमें कोई भी ऑफर नहीं किएगा। इसमें रियर इसके बेस मॉडल से ही आपको डी फोगर ऑफर किए गए हैं। तो इसकी आप बूट स्पेस आप देख सकते हैं, ओवरऑल इतनी बड़ी आपको इसमें बूट स्पेस देखने को मिली, काफ़ी ज़्यादा आपको स्पेस देखने को मिल जाती है। इसमें आपको कोई भी बूट लाइट ऑफर नहीं की गई, ना ही आपको कोई पार्शल ट्रे देखने को मिलती है। तो ओवरऑल आप इसकी रियर की प्रोफाइल देख सकते हैं, ऐसी कुछ होने वाली है। इंडिकेटर आपको इसमें हेलोजन में मिलेंगे रियर में। और रूफ़ की बात करूँ तो रूफ़ में आपको शार्फ एंटीना मिलेगा, कोई भी रूफ रेल ऑफर नहीं की गई, और यहाँ डी फोगर देख सकते। तो दोस्तों आपको इसका बेस मॉडल कैसा लगा, तो आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, जिसका आपको काफ़ी दिनों से वेट था। तो इसका बेस मॉडल का प्राइस स्टार्ट होने वाला है 10,45,000 से। तो 10,45,000 में आपको ये काफ़ी अच्छा ऑफर प्राइस दिया गया है, देख सकते हैं कितने फीचर आपको इसमें ऑफर किए गए हैं। तो अगर आप ब्रेजा का कोई और मॉडल देखना चाहते हैं इस प्राइस में, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। आप ब्रेजा से तो ये काफ़ी अच्छी बेहतर होने वाली है, लेकिन जो इंजन है वो आपको सेम ब्रेजा वाला ऑफर किया गया है इस कार में। तो दोस्तों आपको इसका प्राइस कैसा लगा, आपको कैसा लगा कि इसका प्राइस ओवर प्राइस है कि बिल्कुल अच्छे प्राइस में ये कार लॉन्च हुई है। बाकी मुझे तो ये कार काफ़ी ज़्यादा कार ये इंप्रेसिव लगी, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर ऑफर किए गए हैं जो कि आपको टॉप में देखने को मिलते हैं, और जो इसकी लुक्स हैं वो भी आपको टॉप जैसी ही देखने को मिलती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।